जोश, तमन्ना और दस्तक, बॉलीवुड की चकाचौंध से सजी इन फिल्मों में अपने अभिनय से शरद कपूर ने जगह बनाई, लेकिन अब ये नाम एक बेहद गंभीर आरोप से घिर चुका है। बॉलीवुड की इस चमक के पीछे एक शाही दाग की दस्तक सुनाई दे रही है। एक लड़की ने शरद कपूर पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। मामला इतना संगीन है कि अब पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। युवती के मुताबिक वो शरद कपूर से फेसबुक के जरिए संपर्क में आई। सोशल मीडिया की इस दोस्ती ने धीरे धीरे पेशेवर बातचीत का रूप ले लिया। शरद कपूर ने उसे एक शूटिंग के सिलसिले में मिलने के लिए कहा और यहीं से इस कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। शरद ने फोन पर लोकेशन भेजी, लेकिन वो कोई ऑफिस नहीं था, वो था खार स्थित उनका घर। एक घर जहां हर दीवार के पीछे छुपी थी एक डरावनी हकीकत। युवती ने बताया कि शरद ने उन्हें धोखे से घर बुलाया। जैसे ही वो अंदर पहुंची, शरद कपूर ने उसे बेडरूम में आने को कहा। जब वो दरवाजे तक पहुंची, उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से परे था। शरद कपूर बिना कपड़ों के वहां मौजूद थे। अभिनेता ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन युवती ने साहस दिखाया, शरद को धक्का देकर वहां से भाग निकली। इस पूरी घटना के बाद युवती ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में युवती ने कहा कि शरद कपूर ने ना केवल उसके साथ धोखा किया, बल्कि उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने शरद कपूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 74, 79 और 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि शरद कपूर शाहरुख खान के साथ फिल्म जोश में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो गोविंदा के साथ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी तमाम फिल्मों में और 90 के दशक के पॉपुलर सीरियल स्वाभिमान में भी दिख चुके हैं। एक्टर, प्रोड्यूसर या फिर आम इंसान, कानून सबके लिए एक बराबर है। शरद कपूर के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और अब पूरा मामला जांच के घेरे में है। क्या बॉलीवुड का ये सितारा अपने ऊपर लगे आरोपों से खुद को बचा पाएगा, या फिर ये कहानी चकाचौंध से अंधेरी की ओर मुड़ जाएगी? आरोप बड़े हैं, सवाल गंभीर। पुलिस की जांच से सच सामने आएगा। तब तक हम इंतजार करेंगे सच्चाई की उस दस्तक का। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि पहले एक्टर ने उस वीडियो कॉल पर वादा किया कि वो उसे मूवी दिलाएंगे। उसी बहाने मीटिंग के लिए एक जगह बुलाया, वो पता था एक्टर का घर। वहाँ एक आदमी पहले से मौजूद था जिसने कहा कि सर बेडरूम में बैठे हैं, आप वहाँ जाइए, और उसने बताया कि आप अंदर जाइए। वो अंदर पहुंची, वहाँ उसने जो नज़ारा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। वहाँ वो बिना कपड़ों के बैठे थे। उसके बाद उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, जबरदस्ती की। ये सब आरोप पीड़िता ने अपने कंप्लेंट में लगाई। अब देखना ही होगा कि क्या इसके बाद पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें चीज़ें निकल कर आती है और क्या इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस लेती है। अभी तक तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल फिलहाल में लग रहा है कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा पुलिस की तरफ से।